हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। आज की इस वीडियो में हम फिर एक कमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बीएससी सर्टिफिकेट के एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए हो, जो कि आपको एग्जाम देने से पहले भरना पड़ता है अपने कॉलेज या स्कूल में, तो उस केस में क्या किया जाए, क्या आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर हम रूल्स के हिसाब से जाएं तो सर्टेनली आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन अगर सपोज आपके फॉर्म सभी सबमिट हुए हैं, वो यूनिट में ही हैं, तो अगर आप एप्लीकेशन देते हो तो आपके एएनओ या फिर आपके सीओ साहब आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें एक जेन्युइन रीजन बताना पड़ेगा कि एक्स वाई जी रीजन की वजह से मैं बीमार था या मेरे घर कुछ अनप्रेसिडेंटेड चीज घटित हो गई थी, या मतलब ऐसा कुछ था जो टाला नहीं जा सकता था, जो बहुत जरूरी था, ऐसा कुछ मेरे साथ हो गया था इसलिए मैं टाइम पे एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाया, तो वो आपकी एप्लीकेशन प्ली को कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम फॉर्म क्या होते हैं ना, आपके एएनओ काफी दिन पहले भरवा के रखवा लेते हैं ताकि लास्ट टाइम में चीजें अस्त व्यस्त ना हो। सिमिलर मैनर में आपकी यूनिट भी टाइम से पहले फॉर्म्स को मंगाती है ताकि टाइम से वो कंपाइल हो सके, हर चीज चेक हो सके। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप तुरंत अपने एएनओ से कॉन्टेक्ट करिए, वो बताइए सर एक्स वाई जी रीजन की वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया। सिमिलर मैनर में आपके एएनओ आपकी यूनिट के सीओ साहब से बात कर सकते हैं, अगर वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप दोबारा भर सकते हो, अगर नहीं करते हैं तो कोई भी चारा नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर ही रीअपियर कर सकते हो। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है देन कॉन्टेक्ट यूर एएनओ, कॉन्टेक्ट टू योर यूनिट, शायद आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए। थैंक यू। जय हिंद।